खबर बालाघाट से। भाजपा का स्थापना दिवस का कार्यक्रम बालाघाट भरवीली मंडल की ग्राम पंचायत बोदा में संपन्न। बालाघाट ग्रामीण मंडल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस कार्यक्रम ग्राम पंचायत बोदा के सहदेव लिल्हारे के घर प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें सभी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पालक संयोजक, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, बूथ समिति के सदस्यगण, युवा मोर्चा के साथीगण की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष दिलीप चौरसिया, मंत्री श्रीमती रंजना वैद्य, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा मोनिल जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेश कुमासी ने सर्वप्रथम भाजपा का झंडा लहराकर और वंदन कर वंदे मातरम गाकर शुरुआत की। मंडल के सभी कार्यकर्ता ने भाजपा के संस्थापक महापुरुषों के छायाचित्र पर तिलक लगाकर माल्यार्पण किया। मंडल प्रभारी श्रीमती रंजना वैद्य ने भाजपा सरकार के कार्यकाल के वर्णन करते हुए बताया कि हमारी सरकार ने अंतिम छोर की व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाया है। सभी राष्ट्रभक्तों को भाजपा के 42वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मोनिल जैन ने बताया, हमें इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए हर बूथ कमल खिलाना है, जिसमें युवाओं को अहम योगदान चाहिए। आज के कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष दिलीप चौरसिया, मंत्री श्रीमती रंजना वैद्य, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा मोनिल जैन, मंडल अध्यक्ष राजेश होमसे, मंडल के प्रभारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता सुधीर गुड्डू चौधरी, अभिषेक बनोट, चुआलाल मोहारे, सहदेव ललहारे, कृष्णा ठकरेले आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबर भारतवर्ष के लिए बालाघाट से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।